हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आईब्रोज़ में जो इस तरीके से गैप्स होते हैं, नेचुरली सबकी आईब्रोज़ में होते हैं, तो आप इनको कैसे फिल कर सकते हैं, किस तरीके से अपने आईब्रोज़ को आप शेप दे सकते हैं, वो भी ओनली 150 रुपीज़ में। येस, सो इस तरीके का ब्रश आपने लेना है, एक एंगल्ड ब्रश जिसमें स्पूली भी हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हम अपने आईब्रोज़ को कॉम कर सकें। फिर आपको ये 150 रुपीज़ का मिस क्लेयर का आई शेडो आता है, ब्लैक कलर का मैं यूज़ करती हूँ, आप ब्राउन भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको प्रोडक्ट लेके और अपनी आईब्रोज़ पर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ताकि आपको आइडिया लग जाए, मतलब जितनी आपकी आईब्रो है ना, आप उतनी ही ड्रॉ कीजिए, एक्स्ट्रा मत कीजिए, वो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लगता है, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता आई थिंक। और जिस वे में, डायरेक्शन में आपकी आईब्रोज़ के हेयर की ग्रोथ है, उसी में सेम आप इसको इस तरीके से अप्लाई कीजिए, जैसे यहाँ पे मैं कर रही हूँ, तो आपके आईब्रोज़ बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लगेंगी। अब एक बार अच्छे से इसको फिल कर लेते हैं। फिर स्पूली की हेल्प से आपको इन्हें कॉम कर लेना है। आप देख सकते हो लेंथ मेरी आईब्रोज़ की और हेयर ग्रोथ भी कितनी ज़्यादा अच्छी है। सो ये कैसे है, मैं क्या यूज़ करती हूँ, वो तो मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दूँगी। बहुत ज़्यादा अच्छे से आपकी ग्रोथ, डेंसिटी, एकदम ब्लैक आईब्रोज़ हो जाएंगी अगर आप वो यूज़ करते हैं, और जो यूज़ कर रहे हैं उनको पता होगा कि कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है उससे। फिर अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लग जाए तो उसको आपको हटा देना है, और ये देखिए आईब्रो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। तो इसमें और इसमें आप इजीली डिफरेंस देख सकते हैं, जो नेचुरली गैप्स हैं वो मैंने फिल कर दिए हैं, तो ये बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप लविंग गाइज। ओके, बाय।